गुड इवनिंग इंडिया, वेलकम टू धर्म स्टडी, संकल्प हमारा भविष्य आपका। कि आज के महत्वपूर्ण एपिसोड में आज आप देखेंगे बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग आज देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, धर्म स्टडी क्लासेस में विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी, आज का चैप्टर का नाम है विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी, अर्थात विज्ञान का जैव प्रौद्योगिकी आज का चैप्टर है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी नॉलेजेबल प्रश्न है और ऐसे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा सफल माने जाते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग। लाइव मैं महत्वपूर्ण सूचना बता देता हूँ, लाइव ना आने का कारण, लाइव मैं आ नहीं पाया, टेक्निकल इशू है, पता नहीं क्या हो गया है, जो है लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, समस्या हो पा रहा है, मतलब टेक्निकल इशू है। नहीं तो मैं आपको 8 बजे डेली मिल जाता, लेकिन अब थोड़ा सा कल भी नहीं मुलाकात हो पाई, आज भी मैं प्रयास किया लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन मैं फिर प्रयास करूँगा, प्रयासरत हूँ, जल्दी ये छुटकारा मिल जाए। तो ध्यान दीजिएगा, आज के प्रथम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का प्रथम क्वेश्चन है, वह औषध कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांत प्रदान करती है। जो दुश्चिंता को कम करती है और शांत प्रदान करती है, वह औषध कौन सी है। वह औषध कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांत प्रदान करती है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर आप लोग बताइए। पहला है प्रशांतक, दूसरा है मूत्रल, तीसरा है आपका पीड़ाहरक, डी ऑप्शन है एंटी हिस्टामिन। ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्रश्न इम्पोर्टेंट है, प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आप लोग बताइएगा उत्तर। ध्यान दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन, आपका बिल्कुल प्रशांतक। वह औषध कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है, प्रशांतक, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट, औषध की वह शाखा जिसमें संश्लिष्ट रासायनिक यौगिकों को शामिल किया जाता है कौन सी है। पहला ऑप्शन है ए यूनानी, बी ऑप्शन है आयुर्वेद, सी ऑप्शन एलोपैथी, डी ऑप्शन है होम्योपैथी। तो ध्यान दीजिएगा, औषध की वह शाखा जिसमें संश्लिष्ट रासायनिक यौगिकों को शामिल किया जाता है वह कौन सी है। संश्लिष्ट, अगर संश्लिष्ट की बात आएगी, रासायनिक यौगिकों की बात आएगी, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा एलोपैथी, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, औषधीय में स्वापक एनेस्थीसिया के रूप में यौगिकों के किस युगल का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफार्म जिसे कहते हैं, क्लोरोफार्म, नाइट्रस ऑक्साइड, ईथर। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन अलग अलग दिए गए हैं, डी ऑप्शन है ईथर अमोनिया आपका। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा, तीसरे क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही होगा, नाइट्रस ऑक्साइड क्लोरोफार्म। सभी लोग क्लोरोफार्म का सूत्र बताएंगे, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस और क्लोरोफार्म, ये सभी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न माने जाते हैं, जैसे बुझा चोना, CHO CoH का होल ट्वाइस, ये सब काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न माने जाते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन तीसरे का होगा, नाइट्रस ऑक्साइड क्लोरोफार्म। नेक्स्ट, बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतया प्रयुक्त द्रव है क्या है। ए ऑप्शन है पशुओं का अपशिष्ट, बी ऑप्शन है सस्य अवशेष, सी ऑप्शन है जलीय पादप, डी ऑप्शन है वन अवशेष। तो ध्यान दीजिएगा, पशुओं का अपशिष्ट बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतया प्रयुक्त द्रव है। नेक्स्ट, गोबर गैस में प्रयुक्त प्रमुखता क्या है होता है। ए ऑप्शन है कार्बन डाई मोनोऑक्साइड, बी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड, डी ऑप्शन है मेथेन। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, डी ऑप्शन आपका सही होगा, मेथेन। ध्यान दीजिएगा, व्याख्या इसकी है, गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है, मेथेन, CH4 इसका प्रतीक होता है। मेथेन गोबर गैस प्लांटों में, धान के खेतों में, एक्स्ट्रा प्लस आप लोग नोट कर सकते हैं, धान के खेतों में, गोबर गैस प्लांटों में और
धान के खेतों में प्रश्न पूछा था, धान के खेतों में कौन सा गैस पाया जाता है, तो आपका CH4। ये सभी गैस जो है इम्पोर्टेंट है। गोबर गैस बायोगैस का संगठन इस प्रकार होता है, मीथेन 55%, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितना 74%, कार्बन डाइऑक्साइड 35%, नाइट्रोजन 2.6% और हाइड्रोजन सल्फाइड के कुछ अंश मौजूद होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है, ए ऑप्शन है एथेन, बी ऑप्शन एथेनॉल, सी ऑप्शन ईथर, डी ऑप्शन क्लोरोपिक्रीन। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए, होमवर्क के लिए मैं देता हूँ। अश्रु गैस का घटक क्या है, इसमें आप लोग इसको बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए बिनर प्रश्न दिए हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 वायु का मुख्य घटक है इसमें। सरल सरल प्रश्न है, ये सभी बिनर प्रश्न के रूप में आप लोगों को रख रहे हैं। देखते हैं कितने लोगों को इस प्रश्न, 6, 7, 8 तीन प्रश्न आप लोगों को होमवर्क के, दो प्रश्न मतलब 6, 7 आप लोगों को दोनों प्रश्न काफ़ी सरल हैं, ये घटक से संबंधित हैं। इन दोनों प्रश्नों को आप लोगों को बिनर प्रश्न के तौर पर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है, उत्कृष्ट गैस का उदाहरण कौन सा है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन क्लोरीन, डी ऑप्शन हीलियम। आपका डी ऑप्शन है हीलियम आपका सही होगा, इम्पोर्टेंट है। गेहूं की फसल कटाई किसका उदाहरण है, ए ऑप्शन निष्कर्षण, बी ऑप्शन है गुरुत्व पृथक्कन, सी ऑप्शन है क्रोमेटोग्राफी पृथक्कन, डी ऑप्शन भिन्नात्मक आसवन। तो ध्यान दीजिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, तो गुरुत्व पृथक्कन आपका बी उत्तर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, जिंक फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, ए ऑप्शन कवकनाशी के रूप में, बी ऑप्शन है शाकनाशी के रूप में, सी ऑप्शन कृंतक नाशी के रूप में, डी ऑप्शन गंध हारक के रूप में। तो ध्यान दीजिएगा सी ऑप्शन आपका सही होगा, कृंतक नाशी के रूप में सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट का अभिशाप क्या है, ए ऑप्शन है उष्मा के संरक्षण के लिए फसलों की ग्रीन हाउस में खेती, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण और ऊर्जा का संग्रह, सी ऑप्शन पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सौर ऊर्जा का संग्रह, डी ऑप्शन है वातावरणीय प्रदूषक के कारण ताप में वृद्धि। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा, 11वीं, कार्बन डाइऑक्साइड और गैसों के कारण ऊर्जा और संग्रह आपका बिल्कुल सही हो। ग्रीन हाउस इम्पैक्ट का क्या अभिप्राय है, कार्बन डाई गैसों के कारण ऊर्जा का, गैसों का कारण और ऊर्जा का संग्रह, इफेक्ट इससे पड़ता है, इफेक्ट प्रभाव का क्या अभिप्राय है, इन्हीं कारण ग्रीन हाउस प्रभाव ज़्यादा प्रभावी होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ए ऑप्शन हाइड्रोजन, बी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड, डी ऑप्शन क्लोरोफॉर्म। ध्यान दीजिएगा, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, इससे पहले मैं व्याख्या को मैं यहाँ भली बात आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। ग्रीन हाउस गैस में प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा जल वाष्प होती है, जिसमें CO2 60%, मीथेन 20%, नाइट्रस ऑक्साइड 6%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% होता है। नोट कर सकते हैं आप लोग, इन प्रश्नों को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओजोन पर अवक्षय मुख्यतः किस कारण होता है, पहला ऑप्शन है ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण, बी ऑप्शन है विमानन ईंधन, सी ऑप्शन रेडियोधर्मी किरणें, डी ऑप्शन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन आपका सही होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
नेक्स्ट, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? ये ऑप्शन है ओजोन, बी ऑप्शन है मीथेन, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन और डी ऑप्शन है हीलियम। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मैं लाइव नहीं आ पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे दुख हो रहा है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, टेक्निकल इशू है, पता नहीं क्या हो गया है, लाइव आने में के बाद वीडियो कट जाती है, कल भी हुआ था, परसों भी ऐसे, मतलब मुझे बहुत टेंशन है, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वीडियो फिर भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग चैनल के साथ बने रहें। साथ ही साथ प्लेलिस्ट में ढेर सारी वीडियो हैं बायोलॉजी की, आप लोग उसको देखिएगा, उसके साथ साथ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री इन सब की भी वीडियो आप लोगों को मिलेगा, ये सब वीडियो आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यहाँ पर ओजोन का सूत्र पूछा जाता है, O3 अल्ट्रावायलेट किरणें को क्या करता है, अवशोषित करता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, निम्न में कौन सा पौधाधर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है? ए ऑप्शन ओजोन, बी ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन है जलवाष्प। तो ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा जलवाष्प। जलवाष्प जो है पौधाधर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप जिनको भी PDF चाहिए, मात्र 20 रुपये में PDF दे दिया जाएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को 20 रुपये में दे दिया जाएगा। इसके साथ साथ कम से कम दो PDF आप लोगों को दी जाएगी, यदि आप 20 रुपये का कोई भी PDF लेना चाहते तो आपको दो PDF दिया जाएगा। इस समय ये प्रश्न का PDF भी दे दिया जाएगा, इसके पहले का भी दे दिया जाएगा, यदि आप लोग लेना चाहते हैं। नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग संपर्क कर सकते हैं, नंबर इसमें भी लिखा गया है, आप नंबर के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ नंबर नीचे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, दहन एक है, दहन क्या है? जैविक प्रक्रिया है, भौतिक परिवर्तीय प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है, भौतिक और रासायनिक दोनों प्रक्रिया है। तो दहन कैसी प्रक्रिया है, दहन कैसी प्रक्रिया है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है, क्यों? जैसे रासायनिक परिवर्तन में ये होता है कि जब कोई वस्तु दूध से दही बन गया, लेकिन दूध पुन में नहीं आएगा, तो ऐसी क्रिया को कहते हैं रासायनिक। रासायनिक क्रिया में कोई भी वस्तु एक बार बनने के बाद एक स्थिति से दूसरे स्थिति में जाने के बाद पुनः अपने स्थिति में नहीं आ पाती, जैसे कागज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन। दहन, भाई कोयला का दहन होगा तो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा, जल जाएगा, पुनः अपने स्थिति में नहीं आएगा। सेम उसके बाद भौतिक परिवर्तन, जैसे बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन है। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है? ए ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन क्लोरीन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका बी ऑप्शन आपका सही होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे अधिक विषाक्त है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? ये ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्सिन, बी ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, सी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, डी ऑप्शन डाइऑक्सिन और बेंजीन। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा बी, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, बी ये उत्तर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, उत्पादक गैस किसकी मौजूदगी के कारण अत्यधिक जहरीली होती है? ये ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड, डी ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 19 इम्पोर्टेंट है, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। उत्पादक गैस किसकी मौजूदगी के कारण अत्यधिक जहरीली होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, इसीलिए कमरे वगैरह में कोयला या लकड़ी नहीं जलाया जाना चाहिए, नहीं तो मृत्यु हो जाती है। कभी कभी आप लोग सुने होंगे कोई घटना कि कोई व्यक्ति सो रहा है, अंगीठी अगर रखा है तो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से वो जल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि
तब इससे क्या होता है? ए ऑप्शन ऑक्सीजन का मोचन होता है, बी ऑप्शन ऑक्सीजन का कम ऑक्सीजन का मोचन होता है, और बी ऑप्शन अधिक ऑक्सीजन का मोचन होता है, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है, डी ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड का मोचन होता है। आप लोगों को इसमें बताना है। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर बीस का सी ऑप्शन आपका सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। नेक्स्ट, वायु प्रदूषकों में होते हैं क्या होते हैं? ए विविक्त और गैसे, सी ऑप्शन बी ऑप्शन केवल दरो, सी ऑप्शन केवल विविक्त, सी डी ऑप्शन है केवल गैसे। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, विविक्त और गैसे वायु प्रदूषकों में होते हैं, मतलब इस गैसे के साथ साथ और भी सारी चीज़ें विषाक्त होते हैं। नेक्स्ट, खाद रक्षक के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है? ए ऑप्शन सोडियम कार्बोनेट, बी ऑप्शन टार्टरिक एसिड, सी ऑप्शन एसिटिक एसिड, डी ऑप्शन बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। डी ऑप्शन आपका सही होगा, बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, पराध्वन जेट प्रदूषण पैदा करती है पतला करके किसको? क्वेश्चन नंबर 23 और 3 परत को किसको? पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करती है पतला करके किसको? पतला करके O3 को, O3 मतलब ओजोन को पतला करके। नेक्स्ट, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा इसमें, मिथाइल आइसोसाइनेट। आप लोग मिथाइल आइसोसाइनेट का सूत्र लिखिएगा, देखते हैं कितने लोग लिखते हैं कमेंट बॉक्स में। यदि आप लिखेंगे तो आपका नाम मैं नेक्स्ट डे पुकारूंगा। वैसे भी 6-7 क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है विनर प्रश्न के रूप में। तो मिथाइल आइसोसाइनेट कब घटना हुई थी? 1983 में। किसका संबंध था? जेम्स एंडरसन, जिनका भी 1 साल हुआ मृत्यु तो हो गया जेम्स एंडरसन, कांग्रेस के उस समय गवर्नमेंट थी। 83-84 में घटना हुई। नेक्स्ट, 1984 की घटना है। नेक्स्ट, फ्रियान का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? ए ऑप्शन है कीटनाशी, बी ऑप्शन शाकनाशी, सी ऑप्शन प्रशीतक, डी ऑप्शन कवकनाशी। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 25। तो फ्रियान फ्रिज वगैरह में प्रयोग की जाती है प्रशीतक ठंडा के लिए। नेक्स्ट, प्रशीतक फ्रियान है कैल्शियम टेट्राफ्लोराइड, डी ऑप्शन बी ऑप्शन है डाइक्लोरोमेथेन, सी ऑप्शन फ्लोअस्पार, इसका होना चाहिए फ्लोअस्पार लिखा हुआ है, और फ्लेस्पार, डी ऑप्शन हाइड्रोफ्लोसिलिसिक एसिड आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। ध्यान दीजिएगा प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का डाइक्लोरोमेथेन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, कच्छ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस है? ए ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, बी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन मीथेन। क्वेश्चन नंबर 27, तो आपका मीथेन CH4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती हैं? आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा एसिटिलीन। ध्यान दीजिएगा एसिटिलीन, तो इसका सूत्र बताइएगा कि एसिटिलीन का सूत्र क्या है, प्रश्न पूछा गया है, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जिससे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग क्वेश्चन नहीं बताते, तो मुझे बड़ा हर्ट होता है कि आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते। आप लोग कृपया ऐसा किया कीजिए जिससे मुझे बहुत अच्छा लगे कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसा लगा वो भी बताइए,
लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, उसका भी टेक्निकल इशू है, उसको भी सुधार लिया जाएगा। क्या इसमें समस्या है? नेक्स्ट, एस्पिरिन साधारण नाम है किसका? ये ऑप्शन सैली सिलिक एसिड का, बी ऑप्शन है सैली सिलेट का, सी ऑप्शन है मेथिल सैली सिलेट का, डी ऑप्शन है एसिटिल सैली सिलिक एसिड का। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, एसिटिल सैली सिलिक एसिड का। डी ऑप्शन आपका सही होगा, एसिटिल सैली सिलिक एसिड का। एस्पिरिन साधारण नाम है किसका? एसिटिल सैली सिलिक एसिड का। निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है? 30 का कोयला। जैव सेल कौन सा है? आपका बी उत्तर सही होगा। अब मैंने बिना प्रश्न, इसमें कुछ प्रश्न मैंने पूछे हैं, उसका प्रश्न का उत्तर आप लोग ज़रूर बताइएगा। जिनको संपर्क करना है पीडीएफ के लिए, पेड पीडीएफ के लिए अगर यदि आप संपर्क करना चाहते हैं, तो आपको मात्र 20 रुपये में चैप्टर का दिया जाएगा, प्रत्येक चैप्टर का 20 रुपया। इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पीडीएफ भी दे दी जाएंगे मात्र बिना किसी शुल्क के। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मात्र 50 रुपये में दिया जाएगा पीडीएफ। तो जिनको भी चाहिए उनको मिलेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जब तक मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, तब तक आप लोगों को वीडियो मिलती रहेंगी। टेस्ट सीरीज़ भी बन रहा है, टेस्ट सीरीज़ भी आप लोगों को दिया जाएगा देखने को, उसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ, जिनको वीडियो अच्छा लगा होगा थैंक्स रूप जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कम से कम 5 ग्रुप में ही उनका थैंक यू होगा, गुरु दक्षिणा होगा। और कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर बताएं कि उनका कितना सही हुआ, और विनर प्रश्न का जो उत्तर पूछा गया उसको भी बताएं। इन्हीं सब शब्दों के साथ नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक ले जय हिंद जय वाह।